Today we are going to discuss about ocean thermal energy conversion, जिसको OTEC भी बोलते हैं. बेसिकली दिस इज वन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज जो हम ओशन से हासिल कर सकते हैं. तो बेसिकली अगर हम ओशंस इफ वी सी द ओशन की अगर हम देखेंगे कि कितनी लेयर्स होती है ओशन में. हमने जो मैरीन इकोसिस्टम पिछली बार पढ़ा था उसमें हमने एक बार इन ब्रीफ हमने डिस्कस किया था कि जो ओशन की जो अपर लेयर होती है दैट इज स्लाइटली वार्मर देन द लेयर जो नीचे होती है, 1, 2 या 3, 4 किलोमीटर जो नीचे होती है. वाटर जो बहुत ठंडा होता है एज कम्पेयर टू द टॉप लेयर्स, बिकॉज जो टॉप सरफेस ऑफ ओशन है तो उसमें सन की वजह से जो वो हीट अप होता है. और ग्रेजुअली जब हम नीचे जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशन टू द बॉटम ऑफ ओशन, तो ग्रेजुअली जो है टेम्परेचर डिक्रीज होता है वाटर का. तो यहाँ पे अगर पिक्चर में आप देख सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ ओशन द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड अराउंड 800 to 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशन, तो वहाँ पे टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे. तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है दो लेयर्स में, इसी को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर एनर्जी, फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फॉर वेरियस पर्पसेस. तो इसी को बोलते हैं ओशन एनर्जी थर्मल, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन. बेसिकली जो टॉप एंड बॉटम लेयर्स होती है ओशंस की, तो उसको हम यूटिलाइज करेंगे, उस एनर्जी डिफरेंस को यूटिलाइज करेंगे फॉर जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. तो ये जो एनर्जी होती है ये बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, बिकॉज जो मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर. 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर. सो उसमें भी जो हमारे ओशंस है जैसे पैसिफिक ओशन है या अटलांटिक ओशन है विच आर प्रेजेंट इन द इक्वेटोरियल रीजन, उसमें भी जो टेम्परेचर है हीट फ्लक्स बहुत ही ज़्यादा होता है फ्रॉम द सोलर एंड फ्रॉम द सोल सन. तो उसकी वजह से भी ये टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज होता है. एक जो फ्रेंच फिजिस्ट थे जैक्विस आर्सिनी डी आर्सनॉल डी आर्सोनवल 1981 में इन्होंने प्रपोज किया था कि हम जो थर्मल एनर्जी ऑफ ओशंस को कैप्चर कर सकते हैं इन वेरियस फॉर्म्स. तो ये उसके बाद 1926 में फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कमीशन किए गए. एक पहले कोई भी कंसेप्ट होता है दैट इज इन थ्योरेटिकल फॉर्म जो भी कोई चीज प्रपोज करते हैं. तो प्लीज अपनी माइक, किसी की माइक ऑन है आप अपनी माइक को बंद कीजिए प्लीज. इसकी माइक ऑन है. तो उसके बाद 1926 में जापान जो है कंट्री है सागा यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था एक प्रोजेक्ट जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी फ्रॉम दिस ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन से 1926 में. तो अर्थ में जो अगर हम देखेंगे जो ओशंस है कितनी एनर्जी वो करते हैं एब्जॉर्ब, सोलर एनर्जी दे एब्जॉर्ब लॉट ऑफ हीट एनर्जी, जिससे हम तकरीबन तकरीबन 88,000 टेरावाट्स ऑफ जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. टेरावाट होता है 10^12. तो 10^12 वाट्स जो है 1 टेरावाट होता है. तो ऐसे ही 88,000 टेरावाट्स ऑफ एनर्जी वी कैन प्रोड्यूस फ्रॉम द ओशंस. बट ओशन जो है बहुत वास्ट होते हैं, देन ऐसे प्रोजेक्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा जो है कॉस्ट वो होता है, उसमें कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है. वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे क्यों इतनी ज़्यादा एनर्जी को हम हार्नेस नहीं कर सकते हैं. तो बेसिक प्रिंसिपल जो है ओशन एनर्जी थर्मल कन्वर्शन का, बेसिकली सोलर एनर्जी से जो लेयर्स है डिफरेंट, तो उसमें जो है रैकाइन साइकिल जो होता है उसकी मदद से जो ओशन एनर्जी थर्मल जो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन जो प्रिंसिपल है, ये जो एनर्जी है, तो ये रैकाइन प्रिंसिपल के बेसिस पे हम ये एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकते हैं. तो क्या होता है जो लोअर लेयर्स होती है तो
जो अपर लेयर्स होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है, तकरीबन उसका टेम्परेचर 20 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है। उससे कुछ फ्लूड्स जो होते हैं जो इजीली एट लोअर टेम्परेचर वेपराइज हो जाते हैं, तो उन वेपर्स को कलेक्ट किया जाता है, देन अंडर हाई प्रेशर उसको टरबाइन, जो लो प्रेशर टरबाइंस होते हैं जो बहुत ही कम प्रेशर पे चलते हैं, उन पे जो उसको फोर्स किया जाता है और जो टर्बाइन रन होता है वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो फिर उन वेपर्स को कंडेंस करना होता है वापस, तो हम उन वेपर्स को फिर नीचे डीप लेयर्स जो होते हैं वहां जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है वहां पे उसको छोड़ते हैं थ्रू पाइपलाइंस, तो वहां से फिर वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में फिर से आ जाता है, देन उसको फिर से वेपराइज करते हैं, एंड देन ये एक जो साइकिल बनाता है जिसको रेकाइन साइकिल बोलते हैं। तो इसमें जो है कंडेंसर कौन यूज होगा या हीट वेपराइज करने के लिए हीट कहाँ से आएगी, ये डिपेंड करता है। जैसे हम ये OTEC की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो डिफरेंस है टॉप एंड बॉटम लेयर्स ऑफ ओशन, वहाँ पे उसकी हीट और उसकी जो कोल्डनेस है उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर कंडेंसेशन एंड हीटिंग अप ऑफ द जो लिक्विड्स है, वो हम लिक्विड्स क्या यूज करते हैं वहाँ पे वो भी डिस्कस करेंगे। तो इन जनरल एक बेसिक आइडिया है व्हाट इज रैकाइन साइकिल, जिसके बेसिस पे पूरा OTEC चलता है। तो इसमें क्या क्या होता है मेन कंपोनेंट्स, एक तो इवोपरेटर्स होते हैं, कंडेंसर्स होते हैं, टर्बाइन्स होता है, वर्किंग फ्लूड होता है कोल्ड, जैसे यहाँ पे वार्म वाटर है, ठीक है, वार्म वाटर हमने पंप किया है इनसाइड, तो यहाँ पे फ्लूड होता है, तो वही ये छोटी छोटी पाइप से हम जो गर्म पानी अंदर लाते हैं तो यहाँ से निकलता है, तो यहाँ पे फ्लूड होता है अंदर, बेसिकली लिक्विड अमोनिया होता है, तो वो अमोनिया बहुत ही कम टेम्परेचर पे वो वेपराइज हो जाता है, तो वो फिर हाई प्रेशर से इस टर्बाइन पे जाके स्ट्राइक होता है और टर्बाइन रन होता है, उसकी वजह से जो है जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे जो ये जो वेपर्स जनरेट हो गए तो अब इसको वापस कंडेंस करना है, क्योंकि इसको साइकिल में पूरा हमको लाना है, तो यहाँ पे हम फिर कंडेंसर्स यूज करते हैं। कंडेंसर्स के लिए हम इसको वो डीप जो बॉटम ऑफ ओशन है, चाहे 1 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओशन है, डिपेंड करता है कि कहाँ पे हमको एक ग्रेडियंट मिलेगा, टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगी, तो वहाँ पे सी से जो है कोल्ड वाटर लाते हैं, तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे जो वेपर्स है उस लिक्विड के वो कंडेंस हो जाते हैं एंड देन दे फॉर्म अगेन लिक्विड, और उसको पंप के जरिए फिर से जो है इवोपरेटर्स में लाया जाता है। एंड देन ये था इसका, इसकी क्या क्या कंपोनेंट्स है, देन जो अब ये काम कैसे करता है। देखो ये नॉर्मली दो, यहाँ पे पिक्चर्स में दो टाइप के OTEC बताए गए, एक है ऑन शोर ऑफ शोर, एक है ऑन शोर। ऑन शोर हमेशा लैंड पे होता है, ऑफ शोर हमेशा समुद्र में होता है, पानी में होता है, ये याद रखिए आप। तो टेम्परेचर जैसे टॉप सरफेस पे तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस है, ये वही पिक्चर है जो इससे पहले मैंने बताया, बट इट इज समथिंग मोर इंफॉर्मेटिव। तो यहाँ पे अंदर पानी जाता है एंड देन वो वेपराइज हो जाता है एंड देन फिर वो जो है अंदर जनरेटर्स वगैरह चलते हैं, तो वहाँ पे कोल्ड वाटर भी होता है, तो नीचे कुछ मिक्सड वाटर भी होता है जिसका टेम्परेचर अराउंड इन बिटवीन 25 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे ऐसे इसको एक ऑनशोर एक होता है पूरा सेटअप, तो उसको पानी में ही उस वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बट ऑन शोर जो होता है वहाँ पे हम गर्म पानी वहाँ से लाते हैं, तो फिर पूरा जो सेटअप होता है लैंड पे होता है एंड देन ठंडा पानी भी यहाँ से लाते हैं। तो बेसिकली टेम्परेचर्स डिफरेंस बनाने के लिए हम ओशंस की डिफरेंट लेयर्स से पानी लेते हैं, तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना जो है वेपर की जो इंटेंसिटी है उसका जो प्रेशर ज़्यादा बनेगा एंड देन मोर इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटिंग। तो अब इसकी क्लासिफिकेशन जो है OTEC की क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे जो है जो प्लांट्स बनाए जाते हैं, जैसे लैंड बेस्ड प्लांट है, तो ये जो वाला है ये लैंड बेस्ड प्लांट है। अब इसकी अपनी खसूसियात है,
देखो ओशन में कोई भी चीज आप रखोगे तो वहां पे ओशन में टर्बुलेंस हो जाती है, मतलब साइक्लोन्स आ सकते हैं, एंड देन सुनामी आ सकते हैं, स्टॉर्म सर्जेस हो सकते हैं, जो हमारे जो अपैरेटस है ये डूब सकता है, ये इसमें नुकसान पहुंच सकता है। तो ऑन लैंड जो हमारा जो प्लांट होगा तो लैंड बेसिक पे वो थोड़ा सा सेफ रहेगा फॉर दिस दिस ओशनिक टर्बुलेंस। फिर शेल्फ बेस्ड होता है तो उसमें वो पूरा सेटअप पानी में नहीं होता है, उसका थोड़ा सा ऊपर फ्लोटिंग टाइप होता है, ऊपर रहता है सेटअप, बाकी नीचे रहता है, देन फ्लोटिंग पूरा नीचे रहता है पानी, कुछ सबमर्जेड होता है ऑन द फ्लोर। ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है ओटीसी की। फिर उसमें किस टाइप के ये सेटअप लगा होगा, ये वाला रैकाइन साइकिल किस टाइप का होगा, इस पे भी क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेस ऑफ ओपन साइकिल, ऑन द बेस ऑफ जो साइकिल है क्या होगा, ओपन साइकिल होगा, क्लोज साइकिल होगा या हाइब्रिड साइकिल होगा। अब क्लोज साइकिल क्या है, सिंबल आपको जो हमने अभी रकाइन साइकिल वहां पे पढ़ा, वहां पे क्या करते हैं, गर्म पानी जो होता है ओशन का, जो टॉप लेयर होती है ओशन की वो गर्म होती है, वहां पे टेम्परेचर तकरीबन 25 एवरेज टेम्परेचर होता है, तो वहां से हम इवापरेटर जो होते हैं, जो हमारा वेपर्स, जो हमारा लिक्विड है, जैसे लिक्विड अमोनिया है, यहाँ पे हम लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं जनरली, तो वो वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वर्किंग फ्लूड जो है, टरबाइन जो स्टीम प्रोड्यूस होगी वो टरबाइन में चली जाएगी, एंड देन वहां से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो फिर कंडेंस इसको करते हैं कोल्ड वाटर से, ठीक है। कोल्ड वाटर से जब कंडेंस होगा लिक्विड फॉर्म में फिर से जाएगा, देन ये फिर से इवापोरेटर्स में चला जाता है। ये क्लोज साइकिल की एग्जाम्पल है, क्लोज क्लोज साइकिल कैसे काम करता है। यहाँ पे हम जो है वर्किंग फ्लूड जो होता है वो अमोनिया होता है जनरली, ठीक है। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है, यहाँ पे इवापोरेटर्स में हम वर्किंग फ्लूड लगाते हैं, वो इवापोरेट हो जाता है, जो यहाँ से आता है वर्किंग फ्लूड, तो इवापोरेट होकर स्टीम बनाता है, एंड स्टीम से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जब वो टर्बाइन्स में चली जाती है, टर्बो जनरेटर में, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद जब स्टीम फिर से निकलती है, तो उसको स्टीम को कंडेंस करना होता है, कंडेंस मीन्स वेपर से फिर से उसको लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होता है, उसके लिए हमें ठंडा पानी चाहिए। तो ठंडा पानी हम लाते हैं लोअर जो सरफेस, जो लोअर लेयर्स ऑफ ओशंस है, तकरीबन 800 मीटर से 1000 मीटर के दरमियान, वहाँ पे टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहाँ से जब हम जो ठंडा पानी लाते हैं तो वो कंडेंस हो जाता है, ये वाला जो वेपर्स होते हैं, फिर से हम वो वेपर को यूटिलाइज करते हैं फॉर सेम साइकिल, फॉर इवापोरेशन जनरेशन, तो इसको क्लोजर साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लूड है कहीं पे भी ये सिस्टम से बाहर नहीं जाता है, ये लिक्विड अमोनिया है तो ये सर्कुलेट होता है, खाली बाहर से आपकी हीट एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजर साइकिल में खाली हीट एक्सचेंज होती है, देर इज नो एक्सचेंज ऑफ मास, ओनली एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है। तो उसके बाद क्लोज साइकिल जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वर्किंग फ्लूड नॉर्मली जो पानी होता है वही होता है, इसमें क्या होता है जो सी वाटर है उसको हम अंदर ले जाते हैं वैक्यूम चैम्बर में, तो वैक्यूम चैम्बर में जो लो प्रेशर होता है तो वो जो पानी है, गर्म पानी है, इवोपरेट हो जाता है, तो वो पानी जो इवोपरेट हो जाता है उसको फिर यूज करते हैं, वो जो स्टीम बनती है, इवोपरेटेड स्टीम जो बनती है उसको यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस करता है फिर वो कंडेंसर में हम छोड़ते हैं एट लोअर लेयर्स, सेम जो क्लोज क्लोज साइकिल में है। तो बट यहाँ पे एक और एप्लीकेशन है इसकी, यहाँ पे ओपन सिस्टम इसलिए है क्योंकि ये सिस्टम से बाहर आ रहा है मास एज वेल एज हीट, ठीक है। मोर और मोर डिएरिएटेड, ये मतलब डिएरिएशन मीन्स कि इसमें हवा वगैरह, ये ऑप्शनल है, हवा वगैरह जो भी है गैसेस है वो बाहर निकालें, बिकॉज बाद में कंडेंसेशन में इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको हवा भी जो है डिएरेशन होती है, फिर ये पूरा साल्ट वाटर होता है, तो यहाँ से ये ऑपरेट होता है, तो वार्म वाटर हम डिस्चार्ज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इसमें वार्म वाटर में साल्ट्स भी हो सकते हैं, तो ये जो वैक्यूम्स है, वैक्यूम चैम्बर्स है, इसमें वो साल्ट करोजन नहीं हो सकता है, तो इस साल्ट करोजन ना हो तो इसलिए हम ये वार्म वाटर फिर से वापस छोड़ते हैं, तो यहाँ से गर्म पानी अंदर जाता है, यहाँ से बाहर जाता है, तो खाली जो वेपोराइजर स्टीम है
तो वो हम यहाँ पे जनरेटर पे डालते हैं, तो वो स्टीम यहाँ पे जाती है कंडेंस होके, तो वो स्टीम में साल्ट कंसेंट्रेशन बहुत ही कम होती है, उसको हम एज अ डिसैलिनेटेड वाटर यूज कर सकते हैं फॉर, मतलब उसमें साल्ट कंसेंट्रेशन कम है, उसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है एज वेल एज डिसैलिनेटेड वाटर भी हमें अवेलेबल हो जाता है फ्रॉम सी वाटर। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स, यही डिटेल्स है कि इसमें क्या क्या, बेसिकली द वार्म सी वाटर फ्लैश इवेपोरेट, तो इसका जो टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए 2.4 किलो पास्कल्स यहाँ पे वैक्यूम चैम्बर में, इस जो है प्रेशर पे, इस वैक्यूम कैपेसिटी में ये इवेपोरेट हो जाता है। तो ये थी ओपन साइकिल की। अब यही हाइब्रिड साइकिल, यही जो ओपन एंड क्लोज साइकिल जो हम जब हम मिक्स करते हैं तो उसको हम हाइब्रिड साइकिल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सी से जो वार्म वाटर हम अंदर लाते हैं, देन उसकी वजह से एक और अंदर सेटअप होता है जिसमें एक लिक्विड अमोनिया होता है यहाँ पे, तो ये लिक्विड अमोनिया इवोपरेट हो जाता है एंड देन दैट इज यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पावर जनरेशन। फिर वो लोअर लेयर्स में जो है कोल्ड वाटर लेयर्स जो होती है वहां पे फिर से कंडेंस हो जाता है, तो ये साइकिल बराबर हो जाता है। बट जो यहाँ पे गर्म पानी हम अंदर ले जाते हैं इसको वार्म अप करने के लिए, इस वर्किंग फ्लूड को वार्म अप करने के लिए, इसको भी हम कंडेंस कर सकते हैं, देन आल्सो कैन बी यूज एट ए डिसैलिनेटेड वाटर। यहाँ पे दोनों सिस्टम है, यहाँ पे लिक्विड अमोनिया भी यूज होता है एंड जो सी का जो वार्म वाटर है, सी वाटर, वो भी यूज होता है। तो इसको हाइब्रिड जो साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक तो पावर जनरेशन भी होती है एंड देन इट इज ऑल्सो यूज फॉर द डिसैलिनेटेड वाटर। अब यहाँ पे जो है एक यहाँ पे ये पूरा ओपन है यहाँ पे, तो बीच में एक छोटी पाइपस लगी होगी, तो यहाँ पे ये बेसिकली दिस पोर्शन एक्ट एज ए इवोपरेटर्स, ये वाला पोर्शन। तो फिर पूरा ये जो साइकिल है कंप्लीट हो जाता है एंड देन देर इज इलेक्ट्रिसिटी। ये तो डिफरेंट जो प्लांट्स होगी उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, लोकेशन क्या होगी, उसके हिसाब से डिफरेंट साइकिल्स को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड देन अब ये कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं, तो पहली यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि पहले ही टेम्परेचर डिफरेंस होनी चाहिए, देयर शुड बी अ थर्मल ग्रेडियंट इन ओशन। थर्मल ग्रेडियंट मीन्स टॉप लेयर में टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए एंड बॉटम लेयर्स में कम होना चाहिए। देन टोपोग्राफी एंड ओशन फ्लोर, अब ओशन फ्लोर भी जो है उसकी टोपोग्राफी फ्लैट होना चाहिए, उसमें नीचे भी जैसे ओशन माउंटेन्स होते हैं वो खापड़ होती है सरफेस, तो वो नहीं होना चाहिए। मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन मीन्स कि वो साइक्लोन जो है साइक्लोन प्रोन एरिया नहीं होना चाहिए, अगर साइक्लोन प्रोन एरिया होगा तो देर विल बी वेरी जो है, अगर हम वहाँ पे सेटअप लगाएंगे तो साइक्लोन से जो है नुकसान हो सकता है, वो खत्म हो सकता है। एंड देन सेस्मिक एक्टिविटी, जो भी सेस्मिक जोन्स होते हैं जैसे ओशन फ्लोर में अर्थक्वेक जनरेट होती है, तो उसकी वजह से जो है ये प्लांट जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उस लोकेशन में सेस्मिक एक्टिविटी जो है बहुत ही कम होनी चाहिए। एंड देन अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो बेसिकली टेक्निकल पर्सन्स होते हैं, तो कहाँ पे अवेलेबल, जैसे अगर हम किसी कंट्री में लगाना चाहते हैं वहाँ पे ट्रेन पर्सन नहीं है, देन विल बी नॉट वेरी फंक्शनल, ये पूरा काम नहीं करेगा अच्छे से। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, हार्बर्स जो भी अवेलेबल होंगे वहाँ पे लोग आने जाने के लिए, लोकल इलेक्ट्रिसिटी एंड डिसैलिनेशन वाटर डिमांड। अब ये प्लांट हम वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे तो एक ये सारी चीजें अवेलेबल हो, एंड देन ये खाली जो काफी नहीं है बट वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी होनी चाहिए, या मतलब वहाँ पे वाटर जो है वाटर अवेलेबिलिटी की डिमांड भी होनी चाहिए, वाटर डिमांड भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी आइलैंड पे लगाएंगे हम, जो किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे वाटर में थर्मल ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे एक प्लांट लगा सकते हैं, वहां पे एक पानी भी मिलेगा उनको, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाएगी। और उसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज की पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट, जो मैरीन इकोलॉजी होती है वो भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए प्लांट लगाने से। एंड देन आफ्टर ऑल जो इसका कॉस्ट इकोनॉमिक्स है, तो वो भी जो है कंसिडरेशन में लिया जाता है कि कहाँ ये प्लांट लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता।
तो ये एक टिपिकल एग्जांपल है, एक सरफेस पे इसको हम शेल्फ टाइप ऑफ बोल सकते हैं। ये यहाँ पे कोल्ड वाटर लिया जाता है एंड देन वार्म वाटर यहाँ से लिया जाता है। तो उसके अलावा इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ओटीईसी किस किस चीज में हम इसका क्या मतलब बेनिफिट्स है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल इसको किस किस चीज के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट इज फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी हमने इसमें अभी जो साइकिल पढ़ा है उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हमने देखी, एक तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिसैलिनेशन। जो ओशन वाटर है उसमें जो वापर वेपर्स जनरेट होते हैं कंडेंस होके फिर वहां से डिसैलिनेटेड वाटर अवेल, क्योंकि अगर हम नमकीन पानी को उबालते हैं फॉर एग्जाम्पल तो वहां से जो भाप निकलती है उसमें जो है साल्ट कंसेंट्रेशन कम होगी, तो मीन्स दैट इज द बेसिकली डिसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर। तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर है, देन सपोर्ट डीप वाटर मैरीकल्चर। मैरीकल्चर होता है कि ओशन जो है को यूज किया जाता है फॉर जनरेशन या फॉर कल्टिवेटिंग द मैरीन जो फिशेस वगैरह होते हैं उसको कल्टिवेट करने के लिए, ताकि जो है फॉर द फूड सप्लाई वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो ये डीप वाटर मैरी कल्चर को भी सपोर्ट कर सकता है, देन प्रोवाइड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मिनरल एक्सट्रैक्शन, ये इसकी सारी एप्लीकेशंस है कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। तो उसके अलावा डिफरेंट जो आइलैंड्स है वहाँ पे अगर जो है तेल वगैरह नहीं है देन दिस ऑल्सो कैन बी एन इम्पॉर्टेंट जो है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें जो क्या क्या चीज यूज होती है, प्रोड्यूस मेथेनॉल, अमोनिया, हाइड्रोजन, अल्मोनियम क्लोरीन, अदर केमिकल्स हम मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम ओटी से, फ्रॉम बेसिकली जो हम मिनरल एक्सट्रैक्शन वगैरह करते हैं। तो उसके बाद अब इसकी जो एप्लीकेशन थोड़ी मैं ब्रीफ में बताऊंगा। मैरीकल्चर एक टिपिकल एग्जांपल है कैसे जो मैरीकल्चर होता है, बिकॉज जो ओशन का जो डीप वाटर्स होते हैं ना, जो बेसिकली जो कोल्ड वाटर्स होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है। तो अगर हम वो वाटर जो हम सरफेस पे लाते हैं थ्रू डिफरेंट, अभी मैंने पिक्चर में दिखाया कैसे हम पंप करते हैं कोल्ड वाटर, तो उससे हमारे जो है अपर सरफेस में मिनरल्स भी आते हैं। तो मिनरल्स से जो है प्लांट ग्रोथ, जो फाइटोप्लांक्टन्स वगैरह होते हैं उनकी ग्रोथ होती है, माइक्रो एल्गी की ग्रोथ होती है, तो उसकी साथ फिशेस वगैरह भी आती है। जब जहाँ पे खाना होगा वहाँ पे फिश भी आ जाएंगी, देन जो ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, वहाँ पे फिश कल्टिवेशन ज़्यादा होगी देन तो हम जो है फिश वगैरह को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक डीप वाटर मैरीकल्चर कर सकते हैं, देन डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, कैसे हम वाटर को वाटर से जो है सी वाटर से है साल्ट जो है कंसंट्रेशन डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा हमने पिछली क्लास में बताया था तकरीबन 5,000 पार्ट्स पर मिलियन होता है, पर 5,000 पार्ट्स पर मिलियन शायद हाँ साल्ट कंसंट्रेशन इन द सी वाटर। तो इवेपोरेशन से चाहे वो क्लोज्ड सिस्टम में नहीं होता है बट ओपन सिस्टम एंड हाइब्रिड सिस्टम जो साइकिल है उसमें हम डिसैलिनेशन ऑफ वाटर जो है वहाँ से हम मतलब अवेल कर सकते हैं, वो पी सकते हैं हम फॉर जो हमारी डोमेस्टिक एक्टिविटी या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में हम वो यूज कर सकते हैं। एंड रेफ्रिजरेशन बेसिकली अगर हम डीप वाटर्स में जो है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी हम अगर आपने अक्सर देखा होगा एक मूवी में दिखा रहे थे द लास्ट शिप करके एक मूवी थी, उसमें वैक्सीन वो बनाते थे, तो वहाँ पे उनका जो शिप में पावर जनरेशन उतनी नहीं थी कि टेम्परेचर 5 के आसपास या माइनस के आसपास 0 के आसपास वो रख सके। वो क्या करते थे, वो वैक्सीन की वायल्स को वो एक बॉक्स में डाल के फिर नीचे ओशन फ्लोर पे डालते ताकि वो कोल्ड रहे, कि वैक्सीन खत्म ये मतलब डिस्ट्रॉय ना हो जाए, बिकॉज उसके लिए वैक्सीन के लिए टेम्परेचर बहुत ही कम चाहिए होगा। तो ऐसे ही हम रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड देन एयर कंडीशनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम कोल्ड वाटर ऊपर से लाएंगे छोटी छोटी पाइप्स में उसको पास करेंगे एंड देन वी ब्लो द एयर, तो जैसे वाटर कूलर्स होते हैं कैसे वाटर जो एयर है फ्लो होता है इन बिटवीन द जो हाइड्रेटेड जो होता है उसमें चाहे गैस यूज होती है चाहे कोई कपड़ा वगैरह यूज करते हैं, तो हाइड्रेटेड जब यूज होता है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। वैसे ही अगर हम कोल्ड वाटर ऊपर लाएंगे छोटी पाइप्स में उसको पास करेंगे एंड देन उन पाइप्स पे हम अगर
एयर को ब्लो करेंगे तो उसका एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो दैट विल बी अ परफेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस ओशन थर्मल एनर्जी जो है उसको यूज करना फॉर द एयर कंडीशनिंग। तो उसके अब बेनिफिट्स क्या क्या है, अब इकोलॉजिकली अगर हम देखेंगे इसमें कोई भी फ्यूल बर्न नहीं होता है, सो देयर इज लीस्ट आई गेस देयर इज जीरो इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फॉसिल फ्यूल्स भी कम यूज होते हैं, उसके अलावा न्यूट्रेंट एनरिच्ड जो कोल्ड वाटर है वो प्रमोट करता है मैरीकल्चर को, देन इट प्रोड्यूस डिसैलिनेटेड वाटर जो हम इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर रेजिडेंशियल यूज कर सकते हैं, एंड देन फिशिंग कोल्ड वाटर जो डेप्थ्स हो वहाँ पे भी फिशिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये अगर 1 मेगावाट कैपेसिटी का जो प्लांट बनाएंगे हम ओटीईसी का, तो वो तकरीबन 450 क्यूबिक मीटर जो है फ्रेश वाटर प्रोड्यूस कर सकता है, उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है जो हम डिसैलिनेशन वाटर की बात कर रहे थे। तो 1 मेगावाट प्लांट ओटीईसी का प्लांट तकरीबन 450 क्यूबिक मीटर का जो है पानी फ्रेश वाटर अवेलेबल करा सकता है। ये थ्योरेटिकल फिगर है, बट ओवरऑल जो है एप्लीकेशन जब हम करेंगे ऑन ग्राउंड तो ये कम भी हो सकता है। तो अब इसकी क्या डिसएडवांटेजेस है, तो इसमें इनिशियल कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है जो हमें ओशंस में लगाना है, तो वहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट है। तो ये जो हम मैरीकल्चर या फ्रेश वाटर जो हम अभी कर रहे थे, तो ये उतना ऑन ग्राउंड एप्लीकेबल नहीं किया है, खाली डिमोन्स्ट्रेशन इसकी नहीं हुई है उतनी, तो बस अभी थ्योरेटिकल है क्योंकि ये एक नई टाइप ऑफ एनर्जी है, तो धीरे धीरे ये जो इवॉल्व होगी तो इसमें भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो जाएंगी, कितना हम इसको और हार्नेस कर सकते हैं इस एनर्जी को। उसके अलावा इज ओनली फिजिबल, मतलब ये इस पूरे जितनी भी अर्थ है वहाँ पे हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ हम इसको हार्नेस कर सकते हैं इस एनर्जी को। तो इसका यही ड्रॉबैक है कि हर किसी जगह हम ये नहीं लगा सकते। उसके अलावा जो ओशन की इकोलॉजी है, मैरीन इकोलॉजी है, उसको भी डिसरप्ट कर सकता है कुछ हद तक। तो इसके कुछ ये डिसएडवांटेजेस थे। अब वर्ल्ड में आप ये देख सकते हो ये इक्वेटोरियल रीजन है, तकरीबन 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ के आसपास। तो यहाँ पे ये जो पूरा रेड कलर है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट है बहुत ही ज्यादा है, मींस कि टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, एंड देन जो ग्रेजुअली ये डिक्रीज होती है, जो ये जो ब्लू वाला है तो इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होता है। तो यहाँ पे जो रेड कलर का जो ये डॉट्स है मींस कि ये अभी ऑपरेशनल है, जैसे कोरिया में है एक, एंड देन एक मैं सागा यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, देन इन जापान। बट ये देखो ये जितने भी प्लांट्स है अगर आप रेड में देखेंगे तो ये मेगावाट्स में होंगे, तो ये ऊपर ऊपर जाओगे तो किलोवाट्स में, मीन्स कि जितनी टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होगा उतनी जो है एनर्जी प्रोडक्शन कम होगी। तो यहाँ पे कुछ ही प्लांट्स ऑपरेशन, जैसे एक फ्रांस में है, एक कोरिया में है, एक जापान में दो है, सागा एंड ओकी ओकी नावा जो जापान आइलैंड है यहाँ पे। उसके अलावा भी डिफरेंट जो है अभी प्रपोज्ड है, जैसे इंडिया में लक्षद्वीप आइलैंड्स में है, अंडमान निकोबार में है, ये प्रपोज किए गए हैं। तो इंडिया में जो पोटेंशियल है कितना हम इसको हार्नेस कर सकते हैं, दैट्स अराउंड 50,000 मेगावाट्स हम एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम ओटीईसी। उसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे यहाँ पे जो रेड कलर्स ये पूरा पोर्शन जो है यहाँ पे हम ओटीईसी को ये है वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं ये वाला पूरा पोर्शन। तो अब इसकी मार्केट अवेलेबिलिटी क्या है, मतलब इन जो आइलैंड्स है जहाँ पे रिलेटिवली कॉस्ट से ज्यादा होगा डीजल वगैरह तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। फ्लोटिंग क्लोजर साइकिल मतलब जो है 40 मेगावाट लार्जर जो फैक्ट्रीज वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, ऑफ शोर एंड ऑन शोर पावर केबल्स के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर सकते हैं। तो अब जितना भी हमने स्लाइड्स डिस्कस की उसका कंक्लूजन क्या है कि हमने क्या पढ़ा इन स्लाइड्स में, पहले ही ओशन एनर्जी थर्मल कन्वर्शन जो होता है बेस इसका प्रिंसिपल यही है कि टॉप एंड बॉटम लेयर्स जो है उसकी जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज
जो 70% ऑफ द पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर, एंड उसमें तकरीबन 88,000 टेरावाट्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल होती है फ्रॉम द सनलाइट, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट डिस्कस कर रहे थे। तो उसके अलावा जो है, इट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, डीप वाटर मैरीकल्चर को सपोर्ट कर सकता है, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, मिनरल एक्सट्रैक्शन में। मिनरल एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, जब हम समंदर में ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, देन देर इज नो नीड टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द जो है लैंड, जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं लैंड पे, तो हमें वहीं पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो उस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं फॉर मिनरल एक्सट्रैक्शन इन ओशियंस। दूर ओशंस में भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना बहुत मुश्किल है, पाने में कैसे केबल्स हम बिछाएंगे, देन उसकी जो ओशन की अपनी जो है टर्बुलेंस होती है। बट ओवरऑल इसका जो कैपिटल कॉस्ट है इंस्टॉलेशन बहुत ही ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो इसका जो है बेनिफिट्स है, उसके हिसाब से ये ज्यादा जो है महंगा पड़ेगा हमें। तो उसके हिसाब से इसमें अभी भी बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस करने की जरूरत है, इनोवेशंस करने की जरूरत है, ताकि इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी या अदर बेनिफिट्स है, दैट विल बी मोर देन द कॉस्ट इम्प्लीमेंटेड। तो ये था।